ये आंदोलन में हो रहा है। लेकिन जो काजू खा रहे हैं, अखरोट तो खा नहीं सकते, जनता भूखे मर रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? सुनिए, राहुल गांधी जी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री थे, दादी जी प्रधानमंत्री जी थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे कि नहीं? राहुल गांधी खुद सांसद है मौजूदा, तो काजू बर्फी नहीं खा सकते? आप बताइए, ये सोचने वाली मानसिकता देखिए ना, कितनी खतरनाक हो गई। तो प्रधानमंत्री तो गरीब के बेटा है, प्रधानमंत्री 10 लाख सूट पहन करके गरीब के बेटा आपको लग सकते हैं, 2 लाख के जुर्राब जूते पहन के आपको गरीब लग सकते हैं। मेरे नेता मौजूदा सांसद है, इतने अच्छे परिवार से आते हैं, मोतीलाल नेहरू जी के जमाने में विदेश से उनके कपड़े आते थे, इतने अच्छे परिवार से वो है, तो क्या मेरे नेता काजू बर्फी नहीं खा सकते? कल को तुम्हारे घर आऊंगी शंभू जी, तुम भी 4 बिस्कुट तो तुम भी खिलाओगे नहीं खिलाओगे? राहुल गांधी को ठंडा क्यों नहीं लगता है? ये आप जैसे जो हमारे यूट्यूबर पत्रकार हैं, उन्होंने मीटिंग ली, आपने देखा भी, उनकी ताकत, गरीबों की ताकत, मजदूरों की ताकत, ठीक, इन सब की ताकत, युवाओं की ताकत, बेटियों की ताकत, उसकी ताकत परमात्मा की शक्ति। राहुल जी छुपा रहे हैं, समर्थन गाड़ी में थर्मामीटर लगाए हुए, वो लगाए हुए हैं टेम्परेचर बढ़ाने वाला। अच्छा, जैसे मोदी जी ने लगाया था कान में थर्मामीटर, कहा हो मुझे लगाया कान में टेम्परेचर लगाया था ऐसे। अब जितनी भी इंटेलिजेंस है सरकार में, अब उनको कोई काम नहीं देंगे क्या? यही काम देंगे कि दाढ़ी में क्या छुपा है? दाढ़ी रखने वाले देश में कितने लोग हैं आपको पता है? आपको अंदाजा तक नहीं है। और बायकॉट करने वाली बात आती है ना, ये जंगले हिला देते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसी श्रेणी के लोग, लड़ाक, ठीक। जब दाढ़ी रखने वाले देश में मुस्लिम समुदाय दाढ़ी रखते, सिख समुदाय दाढ़ी रखते, ब्राह्मण जो है वो दाढ़ी रखते, जो पूजा पाठ करते करते कि नहीं? ठंडा क्यों नहीं लगता? बताती हूँ, लेकिन आप दाढ़ी क्यों करे जा रहे? मेरे नेता का मन रखी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हो रहा है, मैंने बताया ना जनता की ताकत है, स्कॉच ले रहे हैं, स्कॉच फोटो शेयर कर रहा है, और दुनिया तो वो भी फोटो शेयर कर रही है। प्रियंका गांधी जी उनकी बहन है सगी, सबको पता है, पूरे देश वर्ल्ड को पता है, वो अपनी बहन को एक पिता की, एक भाई की तरह प्रेम कर रहे हैं, और लोग तो उस भी गंध को फैला रहे हैं। अब तुम क्या कर लोगे? राहुल गांधी क्या कर लोगे? आपने क्या कहा राहुल जी को? मैंने ये बोला कि हमारे बहुत सारे जो टीम है बहुत मेहनत कर रही है, कि कार्यकर्ता जमीन वाला मेहनत कर रहा है, और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, और दीदी ने मुझे बीजेपी राहुल तो कह रहे कि हम राहुल अब हैं ही नहीं, राहुल अब विलीन हो गया है, राहुल महादेव हो गया, तो असली महादेव कौन है? देखिए अकेले राहुल जी महादेव है, मोदी कह रहे हम कल्कि अवतार हैं। अब एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं तो आप उनकी चीजें तो चलाते हो, मोदी जी एक वो प्रधानमंत्री है देश के जो भगवान राम को घर देते हैं, ये लोग चला रहे थे ना, मोदी जी ने घर दिया है। अब हमारे नेता ने बोला कि मैं राहुल नहीं हूँ, उन्होंने ये आपका इनका तर्क नहीं आप समझते हो, आप कोट करके करने कर लगे हो क्या? समझिए, आपकी नेता यूपी में तो जाती है, मेरी नेता प्रभारी है यूपी की, मेरी नेता प्रभारी है, क्यों नहीं जाएंगी? दिल्ली में एक बच्ची को मार दिया गया, कोई जाए? आप देखिए पूरे हमारे जितनी भी पार्टी है, पार्टी का कोई भी ट्विटर हैंडल देख लीजिए, किसी भी नेता का आप देख लीजिए, अगर सब ने उस पर सुन लीजिए, मेरी नेता यूपी की प्रभारी है, मेरी नेता यूपी की प्रभारी है प्रियंका जी, ठीक, तो एक प्रभार उनको दिया हुआ है। दूसरी बात, सोनिया जी की इतनी स्वास्थ्य खराब है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कितना है, सब चीजें बताई जाती है। अच्छा, राहुल गांधी जी डरे हुए जब निकले हैं, वो इतनी बड़ी यात्रा लेकर के जनता के लिए, जब बेरोजगारों के लिए आवाज उठाते हैं, वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि माफीनामे लिखते थे इनके लोग, वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए। आप ये बता दीजिए, विपक्ष में सिवाय कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी जी के और हमारे कांग्रेस पार्टी के सिवा कौन आपकी आवाज उठा रहा है? कौन उठा रहा है? भाई अपने शरीर के लिए अच्छी बात है, योगा करना चाहिए, बाबा जी कहते हैं योग करो, हम और तुम योग करने लग गए, बाबा जी वो बिजनेस करने लग गए। प्रधानमंत्री ऐसी पैदल सड़क पर घूमे, कौन प्रधानमंत्री? तुम्हारे सड़क पर पैदल घूमने वाला व्यक्ति, तुम्हारे तकलीफ को समझने वाला व्यक्ति तुम्हारे नेता बनने के लिए होना चाहिए, ये बात तुम्हें समझनी होगी। जिस व्यक्ति ने 8 साल से, तुम सारे पत्रकार खड़े हो, तमनु बताओ 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रधानमंत्री जी ने? करी नहीं ना। जो व्यक्ति 8 साल में 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, वो तुम्हारे मुद्दे क्या समझेगा भाई? वो भी सवाल नहीं लेते हैं, वो कौन नहीं लेते हैं? को कहते हैं कि मोदी से सवाल पूछो। नहीं, अच्छी तरह सुनिए, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए तो भाई प्रधानमंत्री है, सरकार है उनकी, और किस? अब एक बात बताओ, यूपी में मुख्यमंत्री योगी जी है कि नहीं? अब बताओ, कुछ किसानों की समस्या होने लगी, मुद्दा होने लगा, तो मैं प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से कहूँ कि यू समस्या या देख लो भाई, देखेगा कौन उसका निवारण कौन करेगा? सुनिए, योगी जी बुलडोजर चलाए तो खराब, गहलोत बुलडोजर चलाए तो बढ़िया, ये अच्छा, कैसे चलेगा? ये करवा दो, मीठा मीठा, गलत चीज को गलत ही कहा जाता है, ठीक। जब कोर्ट के आदेश आए थे, गहलोत जी ने तब चलाया बुलडोजर, और योगी जी ने तब चलाया बुलडोजर जब कोई आदेश नहीं आया। कल फर्जी,
कल घर पर बुलडोजर मैंने बताया ना, देखिए कोर्ट के आदेश पर, अगर कोर्ट ने आदेश किया है, संविधान नाम की चीज देश में है ना, तो संविधान के हिसाब से बुलडोजर, अगर संविधान कहता है, कोर्ट ने कहा कि ठीक है इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ध्वस्त करो, है ना, तो चलता है बुलडोजर। अगर आप किसी गलत के लिए चला रहे तो गलत नहीं है। राजस्थान में कहां कोर्ट ने कहा, जो ये दरवाजे वाला वो हुआ था, दरवाजे को तोड़ के दूसरा वाला कोर्ट के आदेश करा दिया। नहीं नहीं, वो कोर्ट के ही आदेश था। अगर पेपर लीक में अगर किसी गलत आदमी कह रहा है तो क्या गलत है? मैडम सुनिए ना, मोदी जी मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मान लीजिए अच्छा अच्छा, अरे सुनिए तो, पिता बाप की नहीं मानना, बेमतलब मान लो, सच्ची बात ही तो मान लो। कांग्रेस भी चाहती है कि वो मोदी जी की तरह सरकार नहीं, सारे यूट्यूबर पत्रकारों को बिठा करके मेरे नेता राहुल गांधी जी ने संबोधित किया है, यूट्यूबर पत्रकारों को बिठा करके। और सुनिए, देश के मीडिया खबर चलाओ, सुनिए, आपसे कहा अगर आपसे कहते तो आप सबसे पहले जाते, अगर आपसे कहते हैं आपको ये इनविटेशन आता है आप सबसे पहले जाते। मुझे आया था, मैंने मना नहीं, आपको आया था, इंटरव्यू दीजिएगा तो जाऊंगा मैं। अच्छा, पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपको इनविटेशन आया था? बिल्कुल। किसने कहा? दिखा दे रहा हूँ। किसने कहा? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दिखा देना, मैसेज आया। ऑफ कैमरा दिखाएंगे? नहीं, दिखा दीजिए ऑन कैमरा। नहीं, दिखा दीजिए किसने किया। ये कहा आपको कि आप हमारे फेवर में कीजिए, ये कहा जनता के मुद्दे उठाइए, कांग्रेस की बातें आगे रखिए। नहीं, जनता की बातें आगे रखिए, अपने मन पसंद जनता की, राहुल की बातें रखिए। राहुल मन पसंद पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं बस। किसने कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सबको नहीं बोला, यही तो बोला कि जनता की आवाज उठाइए। बता दो, अरे सबने ये बोला था, जनता की आवाज के लिए बोला ना। देखिए पत्रकार बता रही, जनता की आवाज के लिए बोला राहुल से सवाल, जनता की आवाज के लिए बोला शंभू जी, दुनिया ने शंभू जी जनता की आवाज के लिए बोला। पत्रकार बहन आप बताइए, जनता की आवाज के लिए बोला ना, और किसकी उठाओगे भाई, और किसकी आवाज आप उठाएंगे? जनता की आवाज के लिए मेरे नेता ने अगर आपसे अपील की तो क्या गलत किया? अच्छा बाबा, आप मिलने गई थी एक पुजारी से, तो क्या बाबा से क्या नाम उसका? बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि बीबी को छोड़ के सब कुछ हमको दान कर दो, आप सहमत हैं ऐसे बाबा से? मेरे सनातन धर्म का वो प्रचार करते, मैं उनकी किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करूंगी। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए शंभू जी, शंभू जी मेरी बात सुनिए। मैं उनका अगर ये बयान है, मैंने नहीं देखा, अगर है तो मैं उनके इस बयान का समर्थन नहीं करूंगी। दूसरी बात, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं अपने धर्म के लोगों गुरुओं से मिलने के लिए बागेश्वर भी जाऊंगी, मथुरा वृंदावन भी जाऊंगी, ठीक, और सुनिए तिरुपति बालाजी भी जाऊंगी, मैं हर जगह जाऊंगी। और आपको ये अधिकार नहीं दिया मैंने, सुनिए, आपको अधिकार नहीं दिया शंभू जी कि आप, अगर मेरा मन है कहीं मंदिर में जाने का तो आप मुझ पे टिप्पणी करें, ये मैंने आपको अधिकार नहीं दिया। दलित महिला को मंदिर से बाहर निकाल दिया घसीट कर कर्नाटक में। देखिए क्या दलित सनातन नहीं होते? दलित कोई अलग धर्म है क्या? अलग धर्म है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप सनातन की पहली कार है ना, सुनिए, क्या देखिए मुझे गर्व है और मैं तो मंदिर कभी किसी का मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म से हूँ। आपको होगा सीटा गया। देखिए अगर सनातनी लोगों ने ऐसा किया है तो मैं गलत बात को हमेशा गलत ही बोलूंगी। सनातनी ने महिला पर पेशाब कर दिया फ्लाइट में, शंकर मिश्रा क्या कहेंगे? गलत है, बिल्कुल विरोध करते हैं, सनातनी है, सुनिए, बिल्कुल विरोध करते हैं। एक महिला के ऊपर पेशाब करना कितनी बुरी बात है, किसी आदमी के ऊपर भी। अच्छा वो मिश्रा न होकर अमजद होता तो क्या होता मुसलमानों के साथ? जो भी कानूनी कार्रवाई सनातन वाले। अच्छा आप पहले बोल लो, मैं पहले सारे सवाल ले लूं आपके, अगर मिश्रा बीच में बोलूंगी ना फिर। अरे मैडम मिश्रा न होता अमजद होता तो ये सनातनी जो सरकार चल रही है केंद्र में मोदी जी वाली, वो क्या करती मुसलमानों के साथ? जिस समय आप जो सनातनी और अमजद बता रहे हैं ना मुझे, बिल्किस बानो के मुल्जिमों को रिहा करा था ना, तो मैंने इस बात का विरोध किया था। सुनिए, वो मोदी जी ने लिखा था यार, मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के। सुनिए, मैं संविधान को मानती हूँ लेकिन अपने धर्म को भी मानती हूँ। आपको मैंने ये अधिकार नहीं दिया कि आप मुझे मेरा धर्म मानने से मना करें। मैं ये बोलूंगी उस व्यक्ति ने गलत किया, गलत का गलत, सही जिसने किया सही, चाहे वो सनातनी हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, गलत गलत। पूनम जी अगर कोई मुसलमान होता, मेरा सनातन धर्म किसी मूवी का मोहताज नहीं है। फिर इतना बवाल क्यों कर रहे हैं आप? उन लोगों से क्यों नहीं पूछते क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी टिप्पणी इस पे दी, मैंने अपना विचार आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दिया। जो करते हैं विरोध, आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? असली सनातनी मोदी जी और आरएसएस है। अच्छा आप सर्टिफिकेट लाए हैं? सर्टिफिकेट लाई दिखाइए, मोदी जी का सर्टिफिकेट लेके आए शंभू जी, दिखाइए जरा, असली का नकली का आप सर्टिफिकेट लेके आए? अगर लेके आए दिखाइए। आरएसएस पर आपकी क्या राय है? मेरी आरएसएस पे ये राय है कि जो भी व्यक्ति कट्टरता को बढ़ावा देता हो, मतलब आरएसएस कट्टरपंथी है, सुन जाइए मैं पूरा बोल लूं, आप ही बोल लीजिए, फिर सवाल भी अपना आप कर लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति देश में संविधान को नहीं मानता या
देश में कट्टरता करता है, लड़ाई झगड़े करता है, हमारे यहाँ प्रावधान बना हुआ है, संविधान सबका तोड़ है। दूसरी बात, अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। मुझे किसी के धर्म से कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखती हूँ। आपके धर्म में जो गड़बड़ियां होंगी उस पर नहीं बोलूंगी मैं तो गलत बात को गलत ही बोलती हूँ। तो मंदिर में महिला को घसीटा जा रहा है, वो व्यक्ति जो है पति नंद कौन से व्यक्ति थे, गलत बोला मैंने? तो मैंने तो नहीं बोला, सही है, मैंने तो नहीं बोला। मैंने तो प्रज्ञा ठाकुर को भी गलत बोला कि उसने बयान गलत दिया। मैंने वो पति नंद कौन से है डांसने वाले? हो गया हूँ। अरे अपनी पूनम पंडित है कि प्रज्ञा ठाकुर है, जिसकी बात मानो? अब आप सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं कि पूनम पंडित के नाम का और प्रज्ञा के नाम का? पूनम जी चाकू, प्रज्ञा कह रही है चाकू छुरी तेज करो। आप बताइए क्या सरकार ने, क्या आपने, आप ये बताइए सरकार ने, अब ये बताइए जिसकी आप बात बता रहे हैं, कितने मुकदमे हैं उसपे? कितने? आप सनातनी नहीं है क्या शंभू जी? आप सनातनी? नहीं मैं नहीं हूँ। क्या है आप? क्या है? बुद्धिस्ट हूँ। बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म से है? तो बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म है, चलिए बौद्ध धर्म से है, धर्म धम्म कुछ तो है ना। बुद्ध ने कहा है धरती पर कोई भगवान नहीं होता है, सब 2500 साल पहले कह के गए। अच्छा 2500 साल पहले कि कोई भगवान नहीं होता है, बुद्ध ने कहा है। और जो वो मैं देखती हूँ, जो हमारे बुद्ध समाज के लोग हैं, मैं तो उनको देखती हूँ शिवलिंग को नहलाते हैं। थे बुद्ध, थे रविदास, थे कबीर, थे वैसे एक महापुरुष थे वो हमारे। वो मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है बुद्ध क्या थे, मैंने पढ़ा है तीसरी क्लास में। मार्गदर्शन करें कि हम सनातनी प्रज्ञा ठाकुर की बात माने कि देश सनातनी पूनम पंडित की बात माने। आप देश में उस व्यक्ति की बात मानिए जो जनता के हित की बात करता हो, जनता की आवाज उठाता हो, अपनी कुर्सी का लालच नहीं करता हो। राहुल की बात माने कि सनातनी मोदी जी की बात माने? भाई राहुल गांधी जी ने ये कहा कि आप उन्हें मत मानिए या उन्हें मत मानिए, कहा क्या? नहीं ना, मोदी जी एक तरफ गलत चीजें करते हैं बैठ करके, और राहुल जी गलत चीज को खत्म करने की बात करते हैं। क्या गलत है? क्या गलत है? संगठन है, आप हैं उसमें? आप हैं क्या? तभी मुझे बता रहे हैं इतना। आप हैं राष्ट्रवादी? कौन है RSS? कौन है? अच्छा आरएसएस नहीं है राष्ट्रवादी, वो है जो देश हित के लिए आवाज उठाए, जनता के हित के लिए आवाज उठाए। ये संगठन रजिस्टर्ड कराने से राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे? वो जो फिल्म का विरोध करना है वो भी राष्ट्रवाद बता रहे हैं अपना। अब एक बात बताइए, जब कैटवॉक कर रही थी स्मृति ईरानी बिकनी में, क्या किया था इन्होंने? जब खटिया सटा रहे थे रवि किशन कपड़े भगवा रंग के पहना के हीरोइन को, क्या तब किया था विरोध? छम्मा छम्मा कर रहे मनोज तिवारी, किया था क्या विरोध? नहीं ना, तो ना हमने उनका विरोध किया, ये उनके अपना पर्सनल मामला भाई। आर्टिकल 19 में अधिकार दिए। आप होंगे नकली? आप होते कौन है नकली कहने वाले मुझे भाई? आप होते कौन है शंभू जी? आप होते कौन है मुझे नकली कहने वाले? गलत बोल, आप देखिए गलत बात है। आप होते कौन है नकली ब्राह्मण कहने वाले मुझे? आप कैसे कौन होते हैं? कौन है आप मुझे कहने वाले? ये अधिकार नहीं दिया मैंने आपको कि आप मुझे नकली बोले। आप होते कौन है ब्राह्मण को नकली कहने वाले मुझे? नकली क्यों कह रहे? सुनिए, नकली नहीं बोला मैंने, मैंने नकली नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि भगवा रंग के कपड़ों में वो भी खटिया सटा चुके, मैंने तो उनका भी नहीं विरोध किया, तो मैं दीपिका पादुकोण का क्यों विरोध करूं? रवि किशन का विरोध नहीं करती है? मैंने जब उनकी पिक्चर आई मैंने इस बात का विरोध नहीं किया कि उन्होंने हीरोइन को कपड़े पहना के खटिया सटाई थी। समझ आया आपको? झूठ है, सुन लीजिए, आपको आदत हो गई है ब्राह्मण और दलित करने की। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, मुझे अच्छे से बताया कि आप किस विचारधारा से आते हैं शंभू जी? आप ईमानदारी से बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनकी धर्मपत्नी कौन थी? ब्राह्मण समाज से थी ना? ठीक है, नहीं थी? हाँ थी। अब आप ये बताइए फिर आप विरोध किसका करते हैं? हम अपनी ही बेटी का, अपनी ही बेटी के पीहर वालों का, आप बाबा साहब के ससुरालियों का ही विरोध करते हैं? आप बाबा साहब के ससुरालियों का ही विरोध करते हैं भाई? हम की बात है, हैरान हूँ मैं आपसे। एक ब्राह्मण, अरे हमारे यहाँ पे तो ससुरालियों को पूजने माने जाते हैं भाई। एक ब्राह्मण कहता है हमारे यहाँ तो पूजने मानते हैं। आप ये बताइए आप विरोध किसका कर रहे हो? बाबा साहब के ससुराल वालों? अरे इज्जत से बात कीजिए शंभू जी, हम बाबा साहब के रिश्तेदार हैं, इज्जत से बात कीजिए। हाँ इज्जत से बात कीजिए। और आप ध्यान रखिएगा, आप संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं, ये कह करके कि